सिद्धार्थ नगर जिले में नाबालिग बच्चों से हुई हैवानियत घटना में डुमरियागंज पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पथरा थाना क्षेत्र के कोनकटी चौराहे पर घटनास्थल का अपने समर्थकों के साथ जायजा लिया। साथ ही घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के अधिकारियों से बात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की व सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों से बात की। साथ ही उन्होंने कहा इस घटना की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है और इसकी सजा सभी अभियुक्तों को मिलेगी क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई भी इसमें बच नहीं पाएगा। 6 लोगों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कल गिरफ्तार कर लिया था, आज एक को पकड़ा गया है, शेष एक की गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। तो दुखद घटना के नाते हम लोग भी दुखी हैं, क्योंकि अपने आचरण और जो नेचर होता है इन लोगों का, इनके समाज के लोगों का, उस नेचर जो सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिस तरीके का कृत्य करते हैं, वही कृत्य करने का प्रयास खरकट्टी चौराहे पर थाना पथरा डुमरियागंज में किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।